कैसे हो सब लोग? बस राइट। हेलो आयुष, कैसा गया पेपर? बताती हूँ मैं शायरी। हाय प्रांजल, हेलो मधुरा, हेलो तुकाराम, हेलो अश्विनी, हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग नेहा, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, किस किस का एग्जाम आज था? कौन कौन ऐसे जिनका एग्जाम अच्छा आज था? हेलो मधुरा, हेलो संतोष, हेलो संकेत, हेलो नोदित, हेलो अभिषेक। कौन कौन ऐसा जिनका आज एग्जाम था? हेलो संतोष, हाय पायल। मेरा 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 फर्स्ट शिफ्ट था। ओके बच्चा, मुझे बताते जाना क्वेश्चन, है ना, साथ के साथ। हेलो, अगर नहीं होना तो ऐसे मत बोलना, क्योंकि कल की शिफ्ट के भी होंगे, आज की शिफ्ट के भी होंगे। अरे शुभम, हेलो यार, हेलो एवरीवन। ठीक है, ऐसा नहीं किसी को इग्नोर नहीं किया। अच्छा नौदित, कल है, कल वालों बहुत अच्छा होगा। अच्छा मेरे दोनों एनालिसिस देख लिए थे ना, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं पूरा का पूरा। या तो स्टार्टिंग के पेपर से आ रहा है, नहीं तो पीवाईक्यू से आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक्सरसाइज का था। ठीक है, तो अच्छा पेपर पूरा पीवाईक्यू से आ रहा है, नहीं तो जो आपके पहले के क्वेश्चन से वही रिपीट हो रहे हैं, कंसेप्ट भी वही रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने आपको पेपर तो बना के दे ही दिया था, है ना। चलो तो पहले अनाउंसमेंट कर लेते हैं, तब तक और लोग जुड़ जाएंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तब तक और लोगों को शेयर कर दो प्लीज। थैंक यू नोदित, वेरी गुड। आ जाओ, तो बहुत अच्छा पेपर जाएगा, डोंट वरी। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बच्चा एक्सेल बैच फॉर ड्रॉपर्स, तो ये कुछ बैचेस हैं अनअकैडमी पे जो आपके स्टार्ट होने वाले हैं, तो जो लोग 2022 के हैं वो ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपको बताया, देखो अनअकैडमी पे अभी कुछ प्राइस पहले तो ज्यादा ऑफ था, अब थोड़ा सा कम ऑफ कर दिया गया है, तो कुछ टाइम के लिए ये प्राइस अवेलेबल है, उसके बाद वापस से प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर बच्चा बात करते हैं, बच्चा अधिकतर पेपर संतोष पीवाईक्यू से आया था, अभी बताऊंगी ना। फिर हम बात करते हैं बच्चा जेई मेंस 2021 की बात करते हैं, तो जेई मेंस 2021 की अगर हम बात करें तो ये आपके रिजल्ट है जो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है अकेडमी का, तो आप लोगों का भी बढ़िया आएगा, बहुत ही बढ़िया। चलो फिर हम बात करते हैं बच्चा दूसरा कॉम्बेट एग्जाम। कॉम्बेट इस बार मेगा होने वाला है, मेगा मतलब इसमें आपको स्कॉलरशिप 4 करोड़ की वर्थ तो मिलेगी, साथ ही साथ एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं, और जब टेस्ट दोगे तभी लाइव टेस्ट रैंकिंग भी मिलेगी। ठीक है, चल तब स्टार्ट कर दे ना, नहीं तो तुम परेशान हो जाओगे। अच्छा मैं लास्ट में, जो बच्चा क्लास खत्म हो रही होगी, जब क्लास खत्म हो रही होगी तब लास्ट में मैं आपको टॉपिक्स भी बता दूंगी जो आपको रिवाइज करने हैं कल के पेपर के लिए। ठीक है, साक्षी टेंशन मत लो बच्चा, जो भी क्वेश्चन मेरे को मिलता है ना बच्चों से, अगर वो ऑप्शन नहीं बनाते तो मैं पीवाईक्यू से ही ले लेती हूँ। ठीक है, पीवाईक्यू से ही ले लेती हूँ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मुझ पर भरोसा रखो। बहुत मेहनत करी है मैंने आप लोगों के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि मैं पीपीटी किसी और को बनाने को दे देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो मुझे ही फ्रेम करने पड़ते हैं, मुझे ही ऑप्शंस बनाने पड़ते हैं, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। बच्चा आंसर भी तो बताएंगे, आंसर भी तो बताएंगे ना बच्चा, है ना। तो आंसर तो मैं हमेशा बताती हूँ ना, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि आपको टॉपिक भी कौन कौन से लास्ट टाइम पे रिवाइज करने हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस एक बार देख लो जिससे कि तुम्हें आइडिया लग जाए। ओके आ जाओ, चलो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चा आया था, इफ एज लेंथ, 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन आया था बच्चा, इफ एल एज लेंथ ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल इज 389 पिकोमीटर, देन द रेडियस ऑफ एटम इज, तो बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, क्या आंसर आ रहा है बच्चा, प्लीज शेयर कर दो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग पता चल जाए। बी बी, वेरी गुड। तो बच्चा एस सी सी के लिए ए इज इक्वल टू 2 आर होता है, तो आर इज इक्वल टू ए बाई 2 होगा क्या, तो बताओ 389 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो जाएगा मैम, 194.5 पिकोमीटर, तो आंसर होगा बी ऑप्शन, है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एससीसी यूनिट सेल है। अब देखो हर शिफ्ट में क्या हो रहा है, हर शिफ्ट में क्या हो रहा है, कहीं पे एससीसी बोल रहा है तो कहीं पे बीसीसी बोल रहा है, कहीं पे एससीसी बोल रहा है तो कहीं पे बीसीसी पूछ रहा है, कहीं पे एफसीसी पूछ रहा है। आप कुछ समझदार हो, बीसीसी का क्या होता है मैम, बीसीसी जो होता है वो √3a = 4r होता है, और भी समझदार है मैम, एफसीसी √2a = 4r होता है, तो हमको सारे रिलेशंस पता है, हमको सारे रिलेशंस पता है। ठीक है, ओके आ जाओ नेक्स्ट बच्चा, बहुत अच्छा पेपर होगा, डरो मत। व्हिच केमिकल कंस्टिट्यूएंट इज यूज्ड इन सनस्क्रीन,
सनस्क्रीन में कौन सा कंस्टिट्यूएंट यूज किया जाता है? व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सनस्क्रीन? कौन बताएगा आंसर? कौन बताएगा आंसर? कौन बताएगा? ए ए, ठीक है ए, वेरी गुड। तो बच्चा TiO2 जो होता है उसको यूज करते हैं सनस्क्रीन में, ठीक है। एक और होता है बच्चा जिसको हम सनस्क्रीन में यूज करते हैं, दैट इज जिंक ऑक्साइड, है ना। तो अगर हम बात करें ब्रॉड, ब्रॉड जो होती है ना, अगर हम याद करें यूवी रेज, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, है ना। तो बच्चा एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चा, एक होता है TiO2 और एक होता है बच्चा जिंक ऑक्साइड। एक आपको UVA रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है और एक आपको किससे प्रोटेक्ट करता है बच्चा? UVB रेडिएशन से, ठीक है। तो एक UVA से और एक UVB से, तो मैं बता भी देती हूँ कि कौन UVA से प्रोटेक्ट करेगा और कौन UVB से। तो बच्चा TiO2 आपको UVB रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, जिंक ऑक्साइड UVA से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ओके, तो मुझे जल्दी से बता दो कौन सा केमिकल सनस्क्रीन में यूज होता है मैम? TiO2 और ZnO। TiO2 UVB से, ZnO UVA से, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होती है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। हाँ जी स्वेजल, मतलब ज्यादा हार्ड तो नहीं थी स्वेजल, फिजिक्स हार्ड आई थी, केमिस्ट्री वॉज ओके ओके, केमिस्ट्री सब में ईजी आ रही है। हाँ पेपर का हर रोज लेवल डिफिकल्टी बढ़ रहा है, पर केमिस्ट्री का नहीं, जो पिछली शिफ्ट में आया था वही क्वेश्चन आ रहे हैं। आ जाओ, complete hydrolysis of starch gives, starch का complete hydrolysis क्या देता है? starch की complete hydrolysis पे क्या मिलेगा? very good संजय, ए नालायक बच्चा, ग्लूकोज मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्लूकोज, ओनली अल्फा डी ग्लूकोज, इसकी यूनिट्स मिलती है ना, इसकी ओनली अल्फा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज किसकी होती है बच्चा? सुक्रोज की, है ना, सुक्रोज की। और गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज किसकी होती है? किसी की भी नहीं होती। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज किसकी होती है? लैक्टोज की, ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। इफ देयर इज वन अनपेड इलेक्ट्रॉन देन स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट इज, अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? थैंक यू शायद, बताओ जल्दी से, अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? वेरी गुड संजय, स्टार्च में मैम अमाइलोज होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है, एक वाटर सल्युबल, एक वाटर इनसल्युबल। हाँ जी वैष्णवी, बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। वेरी गुड, 1.732, क्यों? क्योंकि मैम रूट ऑफ Nn+2 बोर मैग्नेटोन से हमको पता चलता है, तो रूट ऑफ Nn+2 मतलब मैम 1, 1+2, रूट थ्री मतलब 1.732 BM। वेरी गुड, हुई ना बात। आ जाओ नेक्स्ट, Which of the following is not a neutral ligand? इनमें से कौन सा न्यूट्रल लिगेंड नहीं है? इनमें से कौन सा न्यूट्रल लिगेंड नहीं है? ये क्वेश्चन आया था, तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। Which of the following is not a neutral ligand? C, ठीक है, C, very good। तो बच्चा water neutral होता है, NH3 neutral ही होता है, NO2- कैसा होता है? Negatively charged ligand। कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। बाकी सब क्या है हमारे? न्यूट्रल लिगेंड, है ना। नेम रिएक्शन बताऊंगी शिव, टेंशन क्यों लेते हो। आदो 6th, व्हाट आर द रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर कॉल्बे रिएक्शन? कॉल्बे श्मिट रिएक्शन लिखो यहाँ पर, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉल्बे श्मिट रिएक्शन के लिए कौन कौन सी रिएजेंट और कंडीशन दी गए सही है? अभी बताऊंगी नेम रिएक्शन, टेंशन क्यों लेते रहे, मुझ पर छोड़ दो बाबा। कौन सा आंसर होगा? ए, वेरी गुड। कौन सा है मैम? सोडियम फिनोक्साइड को जब हीट करते हैं विद CO2 एट 100 एटमॉस्फेयर एंड 125 डिग्री सेल्सियस, तो ये कौन सी होती है? कॉल्बे श्मिट रिएक्शन मैम। और इसमें क्या बनता है मैम? बेंजोइक एसिड देखने को मिलता है, क्या मिलता, सॉरी सैलिसिलिक एसिड देखने को मिलता है, क्या मिलता है मैम? सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट क्या है? अच्छा ये वाला किसका है बच्चा? ये कौन सी रिएक्शन है जो बी वाली लिखी है? अच्छा रेफिनोज वाला क्वेश्चन था आज। संदीप बताओ रेफिनोज क्या देता है हाइड्रोलाइसिस पे? मैंने आप लोगों को बताया था, जल्दी से बताओ, आज क्वेश्चन आया बच्चा, रेफिनोज हाइड्रोलाइसिस पे क्या देता है? पता है क्या तुमको? पता है क्या? जल्दी से बताओ। बताया था ना मैंने, ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज ट्राइसेक्राइड होता है ना, याद आया? देखो हमारी क्लास का ही क्वेश्चन रिपीट हुआ, टेंशन मतलब तुम्हारी क्लास के रिपीट होंगी, केमिस्ट्री में टेंशन ना लेने का, ठीक है। 50 में से 40 तो तुमको आराम से आते होंगे, मैं तो बोलती 45 पे वो ज्यादा हो जाएगा ना, 40 का आती हूँ, ठीक है। आ जाओ बच्चा, ये वाला जो रिएक्शन है ये कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है, जो फ्री रेडिकल से होता है ना, ये कॉल्बे श्मिट नहीं है, ये कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है।
नेक्स्ट वाली रिएक्शन बच्चा राइमर टाइमल रिएक्शन है, वेरी गुड। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चा? राइमर टाइमल रिएक्शन है, और नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता है, तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट। Which of the following correctly represent the structure of tetrahydrofurane? THF का कौन सा स्ट्रक्चर दिया हुआ गया सही है? THF का कौन सा दिया हुआ स्ट्रक्चर सही है, बताओ? A, B, C, D, क्या आंसर होगा बच्चा? A, B, C, D, क्या आंसर सही होगा? A, B, C, D, B, अच्छा B, ना लाइको, इसलिए ही गलत करके आओगे तुम, यही डुबाओगे मुझे तुम, यहीं पे डुबाओगे। बी नालायको, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होता है ये वाला कंपाउंड, है ना, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। बनता किससे? ऑफ रिडक्शन ऑफ फ्यूरेन। फ्यूरेन क्या होता है? ये होता है फ्यूरेन, ये रहा एरोमेटिक, इसका जब रिडक्शन कर देते हैं ना तो मिलता है THF। अब बताओ ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे? ऑक्सीजन के पास बच्चा कितने लोन पेयर होंगे? ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे? क्या बोलोगे, क्या बोलोगे मैम, कितने लोन पेयर होंगे? वेरी गुड, दो लोन पेयर ना। तो बताओ पहला वाला स्ट्रक्चर इसमें दो लोन पेयर बना रखे, दूसरा वाला स्ट्रक्चर देखो कितने बना रखे, दूसरा वाला तो वैसे ही फ्यूरेन है, गलत हो गया। तीसरे वाले में एक लोन पेयर गलत हो गया, चौथे वाले में एक लोन पेयर गलत हो गया। अच्छा ये तो फ्यूरेन ही दे रखा है ना, बस रिंग बना दी है ना, इसमें तो रिंग बना दी और ही उल्टा काम हो गया। ठीक है, तो आंसर होगा फर्स्ट, ये वाला आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का स्ट्रक्चर है। कैसे बनता है? बाय रिडक्शन ऑफ व्हाट योर, बाय रिडक्शन ऑफ व्हाट योर फ्यूरेन रिंग, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपेन इज मेजरली, प्रोपेन के ब्रोमिनेशन से क्या मिलता है? हाय सोनाली, हाय सोनाली, क्वेश्चन आया था ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपेन इज मेजरली सी। अच्छा घा गए ना मात, ऑप्शन अच्छे बनाए मैंने, वहां पर बनाए हुए नहीं मैंने, अच्छे बनाए। हाय स्नेहा, ए, वेरी गुड। तो बच्चा प्रोपेन की बात करें तो CH3 CH2 CH3 ब्रोमिनेशन कराते हैं तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में होता है या सनलाइट, तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम? 2 डिग्री की 3 डिग्री ज्यादा बनता है, देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, तो यहाँ पर देखो 3 डिग्री तो है नहीं, 2 डिग्री ही बनेगा। तो बच्चा मेजर कौन सा होगा? ये 90% से ज्यादा देखने को मिलेगा, और दूसरा वाला जो प्रोडक्ट है ना बच्चा CH3 CH2 CH2 भी आ, ये 10% 20% जो भी मिलेगा ये मिलेगा, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर होगा। उसने क्या पूछा? मेजरली मतलब मेजर प्रोडक्ट, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा आपका? बच्चा किरेटिन जय किरेटिन, है ना, तो आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड, गलत कर दिए ना, मेजरली पूछा था, मेजर प्रोडक्ट ही। आगे नेक्स्ट, कॉपर क्रिस्टलाइजेस विद FCC यूनिट सेल, इफ द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इज दिस, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल। तो एक क्वेश्चन आया था तुझे FCC पे और उसमें कॉपर मेटल ही दिया गया था, मुझे लगा शायद PYQ ही आया होगा, तो मैंने PYQ से इस क्वेश्चन को ले लिया, जिससे अगर आया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली यही आएगा। ठीक है, हाय साक्षी, मुझे फिजिक्स की मैं बात करूंगी दिनेश, जल्दी होगी। ठीक है, तो बताओ जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन PYQ से उठाने का रीजन ये था, कॉपर बताया बच्चे ने बताया FCC, तो मैंने ये क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, हाय BTF, जल्दी से बताओ। चलो मैं करती हूँ क्वेश्चन, है ना, आ जाओ। कॉपर क्रिस्टलाइजेस विद FCC यूनिट सेल, तो बताओ FCC के लिए बच्चा Z = 4। ठीक है, बताओ रेडियस ऑफ कॉपर एटम की बात करते हैं तो बच्चा 127.8 पिकोमीटर दे रखा है। ठीक है, डेंसिटी निकालनी है मैम, डेंसिटी जमना है ना, डेंसिटी क्या होती है मैम? जमना। जेड की वैल्यू बच्चा 4 दे रखी है, कॉपर का मोलर मास होता है बच्चा 63.5 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻²³। अब मुझे बताओ बच्चा यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ किसकी, ए की, ए निकालना है पर आर दे रखा है, तो बताओ FCC में मैम √2a किसके इक्वल होता है मैम? 4r के, तो A = 4 × 127.8 डिवाइडेड बाय √2। बताओ इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दूंगी, क्यूब कर दूंगी, तो बताओ आंसर कितना आएगा बच्चा? आंसर कितना आएगा आपका? 8.9 × 10⁻¹⁴ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर क्या होगा आपका बच्चा? ए ऑप्शन। आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर होगा ए ऑप्शन। जल्दी से बताओ क्लियर है क्या क्वेश्चन? बहुत अच्छा होगा, टेंशन मत लो जिनका भी है। बच्चा मैंने बोला ना जय किरेटिन, किरेटिन बच्चा, किरेटिन यही तो बोल रही थी देर से।
जल्दी से बताओ आज तक क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10, फिनॉल को जब बच्चा कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं रूम टेम्परेचर। अब स्टूडेंट को याद ही नहीं है, अब स्टूडेंट को याद ही नहीं है क्वेश्चन नंबर 10th है ना, कि क्वेश्चन नंबर 10th की अगर हम बात करें तो आंसर क्या होगा, तो ऑप्शंस उन्हें पता नहीं थे। मैं सारी चीजें यहीं पे बता दूंगी, ठीक है, मैं सारी चीजें यहीं पे बता दूंगी। जल्दी से बताओ 10th में, जल्दी से बताओ 10th में। सी ओके और ए ओके संजय, ठीक है बच्चा, ए ए ठीक। देखो बच्चा, अगर हम फिनॉल की बात करते हैं ना, और जब आप इसको कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हो रूम टेम्परेचर पे, किस पे बच्चा? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे जब रिएक्शन कराते हैं बच्चा, तो क्या बनता है? सल्फोनिक एसिड है, क्या बनता है? सल्फोनिक एसिड। तो दो, एक तो ऑर्थो मिलता है बच्चा, और दूसरा क्या मिलता है? पैरा, है ना। एक तो मिलता है बच्चा ऑर्थो और एक मिलता है पैरा। अब ऑर्थो और पैरा की बात करें बच्चा, तो इसमें से कौन ज्यादा मेजर होता है? ये वाला, ऑर्थो वाला। रीजन क्या होता है इसका? रीजन क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन क्या होता है इसका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो रीजन होता है बच्चा इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये मेजर प्रोडक्ट होता है। अभी तो पूछा नहीं, तो मैंने क्या आंसर दे दिया बच्चा? आंसर होगा डी ऑप्शन। अब देखो, अगर आपसे यहाँ पर पूछता कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करने के बाद HNO3 के साथ रिएक्शन करा दो, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनता? तब क्या प्रोडक्ट बनता? तब क्या प्रोडक्ट बनता? जल्दी से बताओ, तब क्या प्रोडक्ट बनता? तब क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता? तब आपको नाइट्रेशन रिएक्शन होती बच्चा, और क्या मिलता? पिक्रिक एसिड, है ना, A246 नाइट्रोबेंजीन, पिक्रिक एसिड देखने को मिलता। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ चीजें हैं बच्चा जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बताओ राइबोज में एरोमेटिक कार्बन क्या होगा? राइबोज में एरोमेटिक कार्बन आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई एरोमेटिक कार्बन इन राइबोज। वेरी गुड अभिषेक, आइडेंटिफाई एरोमेटिक कार्बन इन राइबोज। सी सी बच्चा, ग्लूकोज की तरह होता है राइबोज, ग्लूकोज की तरह। ग्लूकोज में क्या होता है? C1 एनोमरिक कार्बन होता है ना, तो राइबोज में भी C1 ही होता है। A विल बी द करेक्ट आंसर, सबने गलत आंसर दिया बच्चा। ग्लूकोज में C1, फ्रक्टोज में C2, राइबोज में C1। ध्यान रखना, जनरली C1 ही होगा एनोमरिक कार्बन, जनरली C1 ही होता है। कुछ को छोड़ दो बस, कुछ को छोड़ दो बस, ठीक है, कुछ को छोड़ दो बस, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम इन कार्बोनेट आयन इज। कोई बात नहीं बच्चा, सॉरी क्यों बोल रहा हूँ। हाँ जी, नहीं इजियो, इजियो एडवर्ड, एनोमेरिक हमेशा C1 पे होता है, पर फ्रक्टोज में C2 में होता है। ध्यान रखना, फ्रक्टोज में C2, बाकी C1 ही होता है। फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम इन कार्बोनेट इज, तो देखो ये रहा सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस। उस दिन हमने बच्चा ऑक्सीजन पे कैलकुलेट कर लिया था, ऑक्सीजन पे आया था -2/3। कार्बन पे कैसे कैलकुलेट करूं मैम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस Be/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस कार्बन के मैम 4, नॉन बॉन्डिंग लोन पे 0, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 8 है, तो 8/2 4, तो 4 - 4 कितना हो गया बच्चा? 0। तो देखो इसने किस पे पूछा? कार्बन पे। तो देखो आप क्वेश्चन नहीं बताते हो बच्चा, है ना, क्वेश्चन नहीं बताते हो कि कार्बन था या ऑक्सीजन। तो मैंने कुछ लोगों से सुना है कार्बन बोल रहा था, कोई ऑक्सीजन बोल रहा था। ऑक्सीजन होगा तो बच्चा बी आंसर सही है, कार्बन होगा तो 0 आंसर सही है। बताओ क्लियर है क्या? क्लियर है ना, जल्दी से बता दो। अच्छा, और हर ऑक्सीजन एटम पे पूछता तो डबल बॉन्ड पे 0 और दूसरे पे -1 -1, ठीक है। हाँ जी बच्चा, आज का पेपर भी डिस्कस होगा शिफ्ट 1 का, है ना, सब होंगे। क्यों टेंशन लेते हो? सब कराऊंगी मैं, कुछ जितने क्वेश्चन पता है सब करा दूंगी मैं, ठीक है, एक भी तुमसे नहीं छुपाऊंगी, है ना, नो सस्पेंस विद यू, ठीक है। आ जाओ ये है नेक्स्ट, इफ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेकंड इनवर्स देन फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अगर सेकंड इनवर्स है तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? जल्दी से बताइए। बच्चा कार्बन
कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बताया ना, CO3 टू माइनस होता है ना बच्चा कार्बोनेट, तो सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, ओ माइनस। किसने पूछा था बच्चा? संजय, देखो है ना, बी, वेरी गुड। तो बच्चा रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या होती है? कंसेंट्रेशन, वन माइनस एन, सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन इज इक्वल टू वन, तो ये पूरा का पूरा वन हो जाएगा, तो सेकेंड इनवर्स, तो आंसर क्या होगा? बी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वेरी गुड। तो ऐसा ही क्वेश्चन आज की शिफ्ट में भी आया है सुबह, और कल भी यही आया था। तो तुम सोचो क्वेश्चन कितने ज्यादा रिपीट हो रहे। केमिस्ट्री के पेपर में कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ा है, फिजिक्स में बढ़ा है बस। केमिस्ट्री में कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ा है, जो पिछली शिफ्ट है उसके ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरे तीन एनालिसिस करके जाओगे जो मैंने लिया है, ये तीसरा। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए तो वो वही होगा जो रटने वाला होगा, ठीक है, वो रटने वाला होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, 14th, which one among the following is a transition metal? अब कल एक स्टूडेंट ने, हाँ कल एक स्टूडेंट ने मुझे फोन करके बताया था, तो उसने बोला कि मैम ऑप्शन थे एस ब्लॉक, एक ऑप्शन था पी ब्लॉक, तीसरा था डी ब्लॉक और चौथा था एफ ब्लॉक। ये आपका एक्चुअल ऑप्शन थे, ठीक है, और मैंने आपके लिए थोड़ा सा हार्ड बना दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ पहले SPDF, जो बच्चे ने बताया कल की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, तो SPDF में से कौन सा आंसर होगा पहले बताओ? SPDF में से कौन सा आंसर होगा? D ब्लॉक। तो कौन सा आंसर होगा बच्चा? D ब्लॉक, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन बनाया है तुम्हारे लिए उसमें बताओ कौन सा आंसर होगा? मैंने जो तुम्हारे लिए क्वेश्चन बनाया उसके हिसाब से आंसर क्या होगा? डी 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 पकड़ी पकड़ी पकड़ी, ओके, आयरन, बिल्कुल सही। स्ट्रॉन्शियम किसका होता है? ये तो एस ब्लॉक का होता है ना, तो ये तो ट्रांजिशन मेटल हो ही नहीं सकता, ये कहाँ का होता है मैम? एस ब्लॉक का, ठीक है। नेक्स्ट पीडी कहाँ का है मैम? ग्रुप 14 का, दैट मींस ये कैसा हुआ? पी ब्लॉक का। दो ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर ये पेन को क्या हुआ है, वेट 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 वेट, पेन भी बहुत दुखी करता। आ जाओ, तो पहला एस ब्लॉक, फिर ये वाला 14th ग्रुप पी ब्लॉक, आर्सेनिक 15th ग्रुप का पी ब्लॉक, आयरन डी ब्लॉक का, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। आ जाओ नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट, वेरी गुड शब्बाश। हमें कल एक्टिनोइड्स आने वाला है। अरे सिद्धार्थ, एक्टिनोइड्स आएगा तो शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, थोड़ा पढ़ाओ उसे न्यूज पेपर पुराना, आम कम बिके कैफे में ऐश फरमाते मेडो ना लगा, क्या दिक्कत है एक्टिनोइड आता है तो। आ जाओ, वेरी गुड। कैप्रोलेक्टम क्वेश्चन देखो, दो शिफ्ट में आया है कैप्रोलेक्टम, दो शिफ्ट में आ गया है अभी तक, तो देखो कितने ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। ए नाइलॉन 6, आ जाओ। दूसरा कौन सा बच्चा? नाइलॉन 6 हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड, ठीक है। नाइलॉन 2 क्या होगा बच्चा? ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड, ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड। और नाइलॉन 2-6 कैसा होता है बच्चा? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर भी होता है, ये कैसा होता है? बायोडिग्रेडेबल। तो ये भी क्वेश्चन आएगा तो तुम टिक करके आ जाओगे, नन ऑफ दीस तो हो ही नहीं सकता, आंसर क्या? ए ऑप्शन। क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो, आगे बढ़ू, मस्त करके आओगे, टेंशन ना लो, आ जाओ। अच्छा एक और क्वेश्चन आया था बच्चा, मैंने देखा बार बार रिपीट नहीं कराती हूँ, बताओ नियोप्रीन का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था ना, वो फिर से रिपीट हुआ है कल की शिफ्ट में, वो फिर से कल की शिफ्ट में रिपीट हुआ है। बताओ नियोप्रीन की मोनोमर यूनिट, नियोप्रीन की मोनोमर यूनिट बताओ जल्दी से, नियोप्रीन की मोनोमर यूनिट बताओ। यही क्वेश्चन करके इस सेक्शन में आया, हर क्वेश्चन दो दो, क्लोरोप्रीन, वेरी गुड। तो बच्चा हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ तो रिपीट हो रहा है। प्लीज आपकी जो एक टेबल बनी हुई है जिसमें यूजेस लिखे हुए हैं, आज आपका काम होगा पॉलीमर के यूजेस ले याद करना, ठीक है। पॉलीमर के यूजेस, होमो पॉलीमर, को पॉलीमर और मोनोमर यूनिट्स, इतना करके जाना ही जाना, यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, कॉमन नेम ऑफ बेंजीन 1-2 डायोलिज, ये कल की शिफ्ट का क्वेश्चन है। बेंजीन 1-2 डायोल का कॉमन नेम क्या होगा? बेंजीन 1-2 डायोल की कॉमन नेम क्या होगा? मैं आपको सारे बता दूंगी, अरे कल आएगा, टेंशन क्यों लेते हो, बढ़िया करके आओगे तुम, छा जाओगे तुम, छा जाओगे गुरु जी। ए वेरी गुड, क्या होगा बता? कैटिकॉल, कैटिकॉल इज बेंजीन 1-2 डायोल, मतलब मैम स्ट्रक्चर कैसा होगा? OH OH। आ जाओ, रिसोर्सिनॉल क्या होता है बच्चा? बेंजीन 1-3 डायोल, रिसोर्सिनॉल क्या होता है? बेंजीन 1-3 डायोल। हाइड्रोक्विनॉल क्या होता है? अच्छा यहाँ पर क्विनॉल लिखना चाहिए था, अच्छा मैंने हाइड्रोक्विनॉन कर दिया, ठीक है। हाइड्रोक्विनॉल के स्ट्रक्चर की बात करती, हाइड्रोक्विनॉल तब होता, क्विनॉल
तब होता क्या क्विनोल, किसकी बात कर रही हूँ क्विनोल, तब होता 1,4-diol, यहाँ पर क्विनोल लिख दिया आपने ना गलती से, ठीक है कोई नहीं, दो मिनट रुको यार, ठीक है ये पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है ना, ठीक है पेन ही नहीं लिख रहा, ठीक है ओके पेन आ गया, आ जाओ हाइड्रोक्विनोल की बात करते, क्विनोल तो बच्चा क्या होता है 1,4-diol, और क्विनोन क्या होगा बच्चा, क्विनोन क्या होगा ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है तो ये आपका हाइड्रोक्विनोन होगा, ये हाइड्रोक्विनोल 1,4-diol, और अगर हम बात करते रिसोर्सिनोल 1,3, कैटिकोल 1,2, क्या क्लियर है यहां तक, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, कोई डाउट किसी को कोई प्रॉब्लम, हाँ जी निकिता बिल्कुल आएंगे बच्चा, हर शिफ्ट के ऐसे ही हो रहे हैं, हर शिफ्ट के हो रहे हैं, तो टेंशन ना लो, सारी शिफ्ट के मैं कह रही हूँ कि आएंगे, परेशान मत हो, ठीक है आ जाओ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन मोस्ट एसिडिक है, एसिडिक पे क्वेश्चन आ रहा है, एसिडिटी पे, हर हर क्लास में एसिडिटी पे क्वेश्चन आ रहा है, हर में एसिडिटी पे क्वेश्चन आ रहा है। नवदीप बच्चा क्विनोन, अगर मैं बात करूं क्विनोन की, हाइड्रोक्विनोल की है ना, तो यहाँ पर बच्चा स्ट्रक्चर होता है, ये तो हाइड्रोक्विनोल की बता रही हूँ, ये हाइड्रोक्विनोल होगा, ये आपका हाइड्रोक्विनोल होगा, क्विनोन की अगर मैं बात करती हूँ या हाइड्रोक्विनोन की, तो यहाँ पर बस इतना सा लगेगा बच्चा, यहाँ पर, यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्या हो क्या, ठीक तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चा क्विनोन के लिए, ठीक है आ जाओ, वेरी गुड। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, कौन इसमें से मोस्ट एसिडिक है, कौन इसमें से मोस्ट एसिडिक है, ए वेरी गुड, कौन सा बच्चा, फॉर्मिक एसिड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई लगेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा HCOH, फिर ये आपका एसिडिटी का भी ऑर्डर होगा, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट बच्चा, जो प्रदान जो मैं करवा रही हूँ बस उन्हीं को एक बार रिवाइज करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर पे क्वेश्चन आया था कल, क्रिटिकल अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे बच्चा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, है ना, प्लस आई या प्लस एम, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम, ये देखना आता है ना, तो बस आंसर समझ आ जाए। दूसरी बात हाँ 22 का सेकेंड एनालिसिस बच्चा, सनी का वही चल रहा है, बीच बीच में फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में सारा लेके चल रही हूँ, 42-43 क्वेश्चन है, टेंशन क्यों लेते हो, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आ जाएंगे जितने मुझे पता है, सी और लास्ट में टॉपिक भी बता दूंगी, बिल्कुल गलत, बी इज द करेक्ट आंसर जो किसी ने भी नहीं दिया है बच्चा। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, उस टेम्परेचर के अबव गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते हो, उस टेम्परेचर के अभाव आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हो, तो आपको पता है वाटर मैम 373 केल्विन के बाद तो किसमें जब देखा जाता है, गैसेस में ही, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा बच्चा, ध्यान रखना 374.15, इस टेम्परेचर के बाद ये सिर्फ वाटर वेपर में ही एग्जिस्ट करना पसंद करेगा, तो आंसर होगा इसका सही बी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, हाउ मेनी डोनर एटम्स आर प्रेजेंट इन EDTA, तो कल एक स्टूडेंट ने कॉल करके बताया था, और उस स्टूडेंट को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उस स्टूडेंट को मैं नहीं जानती थी, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से ही उसने मैसेज किया कि मैम आपने बहुत हमारी हेल्प करी है, तो मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मुझे जो जो क्वेश्चन याद है वो बता के, है ना, उसको ऑप्शन याद नहीं थे, बट फिर भी उसने मेरी हेल्प करी, तो थैंक यू सो मच, प्यार ऐसे बनाए रखो, और तुम मेहनत करोगे तो सॉरी मैं मेहनत करूँ और आपका एप्रिसिएशन, बस यही बहुत है। बी वेरी गुड, तो क्या होगा मैम EDTA में डोनर एटम 6, क्या स्ट्रक्चर होता है मैम, CH2CO-CH3CO-CH2CO-CH3CH2CO-CO-CH3CH2CO-, कौन-कौन डोनर एटम होता है, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, ओहो और क्या हो जाएगा, फिफ्थ नाइट्रोजन, सिक्स्थ नाइट्रोजन, तो बताओ कितने हो गए बच्चा डोनर एटम्स, सिक्स डोनर एटम्स, कितने हुए बच्चा, सिक्स डोनर एटम्स, क्या क्लियर है सबको, सिक्स डोनर एटम्स। मैम लास्ट क्वेश्चन में यूनिट रॉन्ग था, केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस था,
प्लीज चेक वंस। नहीं बच्चा इतना ही ध्यान रखना अभिषेक, है ना। यूनिट्स भी बिल्कुल वैसे ही है ना जो मैंने लिखा है बच्चा, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल लिखा है, है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल है वो, ठीक है। हेलो आरती बच्चा, हर शिफ्ट में पेपर रिपीट हो रहे हैं केमिस्ट्री से, मैं कह रही हूँ हर शिफ्ट में पेपर रिपीट हो रहे हैं केमिस्ट्री से, हर 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 शिफ्ट में। तो इसलिए कह रही हूँ अच्छे से करके जाओगे, जितना बढ़िया करके जाओगे बढ़िया रहेगा, ठीक है। हाँ सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आ रहे हैं कुमारी, एज लेंथ पे आ रहे हैं, एफसीसी की डेंसिटी पे आ रहे हैं, है ना। तो बस टेंशन मत लो, सब कुछ मैं करवा के फिर जाऊंगी। हाय नेहा आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 करके बताओ फटाफट से। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला मैम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आया था एक शिफ्ट में, आज की शिफ्ट में बच्चा क्वेश्चन आया था डेल्टा टीएफ निकालना था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तुम्हारी शिफ्ट में आ सकता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक और आया आज की शिफ्ट में प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो अगर हम बात करते हैं तो बच्चा हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन बनने का तरीका है वो तो सेम ही है ना, जो क्वेश्चन बनने का तरीका है वो तो सेम ही है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ जल्दी से। कितना आंसर 0.93, वेरी गुड सनिका, शाबाश। हाँ जी बच्चा मैं सारा बताऊंगी तुमको लास्ट टाइम पे क्या रिवीजन करना है, टेंशन क्यों लेते हो, पहले करे तो सही क्वेश्चन। आ जाओ मैम डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू आई इनटू केएफ इनटू एम होता है। मैम यूरिया नॉन वोलेटाइल है तो आई की वैल्यू 1, तो 1 इनटू केएफ इनटू एम डेल्टा टीएफ, ठीक है। बताओ डेल्टा टीएफ आपको पता है टीएफ माइनस टीएफ नॉट, है ना। डेल्टा टीएफ की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा बच्चा, टीएफ माइनस टीएफ नॉट तो कितना आएगा 0.93 इज इक्वल्स टू Kf into molality कैसे निकालूं, number of moles of solute तो 6 by 60 divided by बच्चा weight of solvent, तो weight of solvent कितना दे रखा है आपको 100 ग्राम, तो बस यहाँ पर put कर दीजिए 6 divided by 60 upon 100 into 1000 कितना हो जाएगा बच्चा, सब cancel out तो 1, तो delta Tf is equals to Kf is equals to 0.93। बताओ आंसर आ गया क्या 0.93, किसी को कोई दिक्कत, फॉर्मूला आ गया क्या, किसी को कोई दिक्कत, तो आंसर होगा 0.93। वेरी गुड बालाजी, गुड प्रनीत, टेंशन मत लो, आज की क्लास करके जाते हो तो मैक्सिमम रिवीजन तुम्हारा हो जाएगा, बहुत बढ़िया पेपर जाएगा जिनका होने वाला है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन सी थ्योरी वैलेंस बॉन्ड, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में सही नहीं है, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में कही गई बात सही नहीं है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट ने मुझे सिर्फ इतना सा बताया था कि मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे कोई तो क्वेश्चन था और नॉट था, तो मुझे यही चार ऑप्शन मिले जहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो देख लो आंसर बताओ जल्दी से। एक और क्वेश्चन आया था बच्चा डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्जन, जो पिछली क्लास में तुम्हें मैंने बताया था केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, राइट, मैंने बताया था पिछली क्लास में, है ना। डी, वेरी गुड, तो आंसर क्या होगा बच्चा, डी एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। कौन बताता है एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एमओटी थ्योरी, कौन बनाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है एनर्जी, बाकी शेप बता देता है वीबीटी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज भी बता देता है, हाइब्रिडाइजेशन भी बता देता है, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बच्चा इसमें से एक क्वेश्चन आया था, कुछ प्रोसेस दे रखी थी, इनमें से कुछ एक दे रखा था और बता रखा था कौन सी प्रोसेस सही है, तो मुझे ये बेस्ट क्वेश्चन लगा, इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आया होगा तो मैंने सारे इंक्लूड कर दिए। तो किसने बोला मैम कुछ दे रखा था और पूछा था कि क्या करेक्ट है, तो मुझे लगा इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकती हूँ कंसेप्ट, कोई भी रिपीट होगा तो यहीं से होगा, ठीक है, तो मुझे आंसर बता दो। आदित्य का बी, ओके, बालाजी का डी, ठीक है, राहुल का बी, दिनेश का सी, सी सी कर दी ना, ओके सी, वेरी गुड। तो देखो बच्चा आइसोकोरिक प्रोसेस, मैम डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से, तो मैम आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए तो वर्क डन जीरो हो जाएगा मैम, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू वी, यहाँ पर साइन गलत दे रखा है, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस, मैम एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मैम डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, साइन गलत दे रखा है मैम। आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए मैम वर्क डन जीरो नहीं होगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू सी, सही दे रखा है। डी बताओ मैम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू जीरो, तो क्यू की वैल्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल आएगी, साइन गलत दे रखा है, तो आंसर सी होगा। बताओ क्या सबको क्लियर है सी कैसे आंसर हुआ, वेरी गुड मंगेश, शाबाश।
तो जिन लोगों ने भी सी दिया था, वेरी वेरी गुड, शाबाश टू ऑल। ओके वेरी गुड। तो आगे बढ़े, जल्दी से बताओ, आगे बढ़े फटाफट से। ठीक, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे की फर्स्ट लॉ के हिसाब से कौन सी कही गई बात सही है? अब स्टूडेंट ने मुझे बोला मैम फैराडे लॉ पे तो कोई ना कोई क्वेश्चन आया था, तो मैंने सोचा पहले फॉर्मूला ले लेते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेंगे। न्यूमेरिकल पिछली क्लास में कराया था कैल्शियम वाला, है ना। तो क्वेश्चन आ रहा है हाउ मच फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड, या फिर फॉर्मूले से आ रहा है ना, बस इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा फैराडे पे। तो फैराडे का फॉर्मूला देख के चले जाना, कितने फैराडे यूज होते हैं उसके न्यूमेरिकल करके चले जाना। ठीक है डी, ओके कर दिया ना गलती। नारायण को W is equals to E upon 96500 into I into T, यही तो फैराडेज लॉ होती है, तो B is the correct answer ना नारायण को। हाँ 96500 तो नीचे आएगा ना, B फॉर्मूले में गलती कर दी है मैम। तो न्यूमेरिकल बनाने चली थी पर हम तो यहीं पे गलती कर गए हैं, हम तो यहीं पे ठोकर खा गए। कितने नारायण को, तुम एग्जाम है कल, एग्जाम शर्म कर लो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। आज की शिफ्ट में भी कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन आया है, कल की शिफ्ट में भी, दोनों शिफ्ट में कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन आया है, इसका मतलब क्या करके आना है बच्चा आपको? आपको मोलार कंडक्टिविटी जरूर करके आना है, रेजिस्टिविटी जरूर करके जाना है, कंडक्टिविटी। तो इनका जो फॉर्मूला है बच्चा प्लीज और प्लीज करके जाना, प्लीज और प्लीज इनके फॉर्मूलेस करके चले जाना। या तो रेजिस्ट कंडक्टिविटी निकालने को बोल रहा है या मोलार कंडक्टिविटी निकालने को बोल रहा है, बी। ठीक है बी। अब देखो बच्चा मोलार कंडक्टिविटी इज लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन एम। तो बताओ मोलार कंडक्टिविटी कैसा होगा, कप्पा कितना होगा बच्चा, 1 अपॉन आर इनटू एल अपॉन ए, यही फॉर्मूला होता है ना। तो बताओ 1 अपॉन आर, आर कितना दे रखा है बच्चा 2.5 इनटू 10 रेज टू द पावर 3, एल अपॉन ए कितना दे रखा है बच्चा 1.25। ठीक है इसको याद पे यहां पर पुट करोगे इनटू 1000 बाय एन, तो बच्चा सब कुछ कट जाएगा, कहां गए तुम, 1/10 है ना मोलारिटी। ठीक है तो इसको भी 10, तो बच्चा यहां से -4 आएगा, -4 +4 कैंसिल, लैम्डा एम की वैल्यू 5 आएगी। कैलकुलेशन कर सकते हो जल्दी से बताओ, वेरी गुड, आंसर आएगा बच्चा बी। तो जिन लोगों ने ए दिया है वो बिल्कुल और बिल्कुल गलत है, है ना, उन्होंने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आंसर क्या होगा, बी। तो जिन लोगों ने बी दिया बिल्कुल सही। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? तो मोलार कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे, कप्पा इनटू 1000 अपॉन ए, कप्पा कैसे निकालते हैं 1 अपॉन आर इनटू एल अपॉन ए। आज की शिफ्ट में बस इतना आया था, सेल कांस्टेंट दे रखा था, रेजिस्टेंस दे रखा था, कंडक्टिविटी निकालना था। कल की शिफ्ट में मोलार कंडक्टिविटी पे आया था, तो मैंने सारे फॉर्मूले इसी में ले लिए, तो मैंने सारे फॉर्मूले इसी में ले लिए जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना आए। ठीक है क्योंकि अब उनको वैल्यूज तो याद रहती नहीं है, तो मुझे ही बनानी पड़ती है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अकॉर्डिंग टू ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ, ये सुनने में आया है कि ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ से एक क्वेश्चन आया है, तो मुझे लगा शायद तुमसे फॉर्मूला पूछ ले तो मैंने फॉर्मूला डाल दिया। न्यूमेरिकल मैंने पिछली क्लास में करवाया है पीएच कैलकुलेशन करने का, है ना, पिछले एनालिसिस में हमने पीएच कैलकुलेशन करना सीख लिया था, तो मैंने सोचा फॉर्मूला। वेरी गुड, क्या आंसर होगा बच्चा, फर्स्ट एल्फा की वैल्यू कितनी होती है, रूट के ए बाय सी। ओके एक और फॉर्मूला क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा, है ना। तो दो फॉर्मूले होते हैं, ये तो अल्फा का ही है डायरेक्टली, रूट के ए बाय सी, है ना। तो फॉर्मूले से याद रख लेना, कंसेंट्रेशन इक्वल टू सी अल्फा, अल्फा इक्वल टू रूट के ए बाय सी। ठीक है तो ये क्वेश्चन आया था। आ जाओ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बच्चा, किसी ने बोला एटम इकोनॉमी पे क्वेश्चन आया था कल की शिफ्ट में, एटम इकोनॉमी पे क्वेश्चन आया था बच्चा कल की शिफ्ट में, तो किसी ने बोला फॉर्मूला याद रख लेना, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें न्यूमेरिकल दे दे, तो न्यूमेरिकल से तुम्हें फॉर्मूला भी याद रह जाएगा और न्यूमेरिकल आता है तो वो भी कर लोगे, है ना। ठीक है मैम विच इज नॉट पूछा है, नहीं बच्चा विच इज नॉट नहीं पूछा, विच डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इज गिवन बाय, नॉट नहीं पूछा बच्चा, कहां पर कर दी गलती, गलत पढ़ा है बच्चा क्वेश्चन। ठीक है तो एटम इकोनॉमी से क्वेश्चन आया था, मैंने न्यूमेरिकल डाल दिया जिससे कि तुम्हें याद रहे। ठीक है आ जाओ फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, ए ए, वेरी गुड, क्या सही है बच्चा, ए इज वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों स्टेटमेंट सही है उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो कैसे निकाला मैंने, परसेंटेज एटम इकोनॉमी का फॉर्मूला होता है बच्चा ये, फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो बताओ प्रोडक्ट क्या है बच्चा आपका, ये आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा बच्चा 137, तो यहाँ पर लिख देती हूँ 137। फिर क्या बोला,
सम ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट यूज्ड इन द रिएक्शन. तो सम ऑफ फॉर्मूला वेट मतलब इसका वेट NaBr, किस किस का वेट मैम, CH3, CH2, CH2OH का वेट, NaBr का वेट, H2SO4 का, इन तीनों के वेट को ऐड करूं मैम 275 आएगा. यहाँ पर पुट कीजिए सारे रिएक्टेंट का वेट 275 इनटू 100 कर दीजिए, आंसर कितना आएगा 49.81%. तो देखो आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन. क्लियर है क्या? बिल्कुल बच्चा, सिंपल आया था आईटी टॉक्स. 22 का फर्स्ट शिफ्ट सिंपल था, 22 के सेकंड शिफ्ट उससे थोड़ा सा लगा था लेवल, बट केमिस्ट्री में कोई लेवल नहीं बढ़ा है बच्चा, केमिस्ट्री में कोई लेवल नहीं बढ़ा है. केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर से ही रिपीट हो रहे हैं, नहीं तो पिछले शिफ्ट की एनालिसिस से ही रिपीट हो रहे हैं. तो तुमने मेरी शिफ्ट की एनालिसिस करी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हर चीज डिटेल में बता रही हूँ मैं, ठीक है. और प्लीज और प्लीज एग्जाम अच्छा जाता है तो कमेंट कर दिया करो, हाँ मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत काम आ रही है, ठीक है. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27. इन एक्वस फेज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्काइल अमीन्स. बच्चा वैल्यू बताइए ना ठाकुर साहब, कैसे निकालोगे? चलो मैं एक का मॉलिक्यूलर वेट CH3CH2CH2Br क्या हो जाएगा, 12, 24, 36, 48. कार्बन का, हाइड्रोजन का 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9. ब्रोमीन का 80. बस कैलकुलेट कर लो बच्चा, आ तो जाएगा. कैलकुलेट ही तो करना, इतना तो कर ही सकते हो ना बच्चा, मोलर मास तो कैलकुलेट. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. कौन सा इसमें करेक्ट होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्काइल अमीन्स? हाँ जी, ज्यादा तो ये नहीं बोल सकते हो कि इजी था या मॉडरेट. मुझे लग रहा है सारे पेपर एक जैसे आ रहे हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स बड़ी डिफिकल्ट बन रही है. हाँ फिजिक्स बड़ी डिफिकल्ट आती जा रही है. 22 की सेकेंड शिफ्ट सनी का, अब तक की शिफ्ट में कंपेयर कर सकते हो तो बोल सकते हो, ठीक है. आ जाओ एक्वस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं अल्काइल अमीन्स की, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा. बी, ठीक है बी. हाँ जी बच्चा, ऑल ओवर पेपर की बात करो, मॉडरेट है, मॉडरेट, वेरी गुड. तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन. अगर हम बात करें मैम मिथाइल अमीन्स, तो 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री और फिर अमोनिया, ये ऑर्डर होता है एक्वस में. अच्छा यहाँ पर इथाइल होता तो मैम, अगर आर की जगह मिथाइल ना होके कोई भी अल्काइल ग्रुप होता मैम, तो 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया होता, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया होता है ना. पर अगर आर सी एच थ्री होता है तो 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री. तो आंसर होगा बी. तो मैंने दोनों चीजें बता दी बच्चा, दोनों चीजें बता दी है ना. नहीं मैथ्स का लेवल वैसा ही चल रहा है, फिजिक्स में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है ना, किसी में हार्ड किसी में कम, तो पेपर का लेवल बढ़ता तो जा रहा है. मैं इसमें कोई नहीं कहूंगी कि पेपर का लेवल नहीं बढ़ रहा है, हर शिफ्ट में बढ़ रहा है. केमिस्ट्री आसान लगेगी तुम्हें, ठीक है बच्चा. ये क्वेश्चन आया था आईटी टॉक्स, आया था. अब मुझे नहीं पता कौन सी शिफ्ट में आया था, फर्स्ट सेकंड या कौन सी शिफ्ट में आया था, ठीक है. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. अब देखो इस वाले क्वेश्चन में बच्चा ये बोला था कि मैम प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पे न्यूमेरिकल आया था, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पे न्यूमेरिकल आया था, ये क्वेश्चन मुझे सुनने में आया. अब मुझे नहीं पता वैल्यूज क्या थी, वैल्यूज क्या थी, तो मैंने सोचा मैं ही आप लोगों के लिए बना देती हूँ क्वेश्चन, ठीक है. तो देखो बच्चा आपको पता है मैम PA इज इक्वल टू PA नॉट इनटू XA, ठीक है. PA नॉट मैम 0.842 दे रखा है. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाल सकते हैं मैम, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो देखो 116/58, तो सॉल्वेंट का मोल्स 2/2 प्लस सॉल्यूट का वेट 0.1 नंबर ऑफ मोल्स, तो बताओ कितना हो जाएगा 0.842 इनटू 0.95, वैल्यू आएगी बच्चा ए ऑप्शन 0.7999 एटमॉस्फेयर. हाँ जी सेकेंडरी अमीन इज मोर बेसिक इन एक्वस मीडियम, वेरी गुड साक्षी. हाँ जी बच्चा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, फिजिक्स में इसका मैं नहीं जानती हूँ बट केमिस्ट्री में रिपीट हो रहे हैं. हाँ केमिस्ट्री इजी आ रहा है कंपैरेटिवली. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. मतलब 40 क्वेश्चंस तो तुम कर ही लोगे अपने आप. क्वेश्चन नंबर 29. हाय सुहास, बच्चा एक बार मुझे सारा एनालिसिस करना पड़ेगा आईटी टॉक्स, फिर ही बता सकते हो ना कितना होगा एक्चुअली. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 29 क्या आंसर देखने को मिलेगा. दिनेश मुझे बात करनी पड़ेगी बच्चा, मैं फिजिक्स की नहीं हूँ ना, तो आई टॉक एंटरली, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी से बताओ, अगर डेल्टा यू का रिलेशन ये है तो क्या होगा, वेरी गुड. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी. डेल एन जी का मतलब डिफरेंस इन गैशियस मोल्स, यहाँ पर दो गैशियस है, यहाँ पर तीन गैशियस है, 2 2 -3 -1,
तो डेल्टा यू माइनस आर टी, तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के शिफ्ट में तीन क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से आए हैं, तो एक वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना, एक आइसोकोरिक प्रोसेसेस वगैरह देख के जाना और एक डेल्टा एच डेल्टा यू देख के जाना। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, तो मैंने वर्क डन का क्वेश्चन भी डाल दिया है, अगर ऐसा पूछा जाए तो, ऐसा पूछा जाए तो मैंने उस हिसाब से डाला है। क्या आंसर होगा, बी। नाला देखो, इधर देखो, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल एन जी आर टी, अगर एक्सपेंशन वर्क है तो आर कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, पी एक्सटर्नल से तो निकाल ही नहीं सकती, कुछ नहीं दे रखा। नंबर ऑफ मोल्स में मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास सेम तो नंबर ऑफ किस पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर वेट पे, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो नंबर ऑफ मोल्स कम, नंबर ऑफ मोल्स कम तो अगर हम बात करें वर्क डन कम, तो मुझे बताओ क्या पूछा है मुझसे, मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए सॉरी मैक्सिमम के लिए मॉलिक्यूलर वेट कम होना चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा, बताओ सबसे कम किसका, NH3 का, NH3 का 17, नाइट्रोजन का 28, क्लोरीन का 71, H2S की बात करें तो कितना हो जाएगा 32+2=34, तो सबसे कम किसका है बच्चा, A का, तो सबसे कम तो वर्क डन सबसे ज्यादा, वेरी गुड। हाँ जी, सॉलिड स्टेट पे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं इसलिए स्टार्टिंग में सॉलिड स्टेट ही कराया है। ठीक है, आ जाओ, ये रहा नेक्स्ट, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01। अब ऐसा ही क्वेश्चन किसी ने बोला था कि मैम कंडक्टिविटी पे आ रहा है, तो मैंने उसी का न्यूमेरिकल उठा लिया, करके बताती हूँ। कप्पा इज इक्वल टू 1/R × L/A, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 375 ओम, L/A कितना दे रखा है 0.5, कप्पा निकल जाएगा, कंफ्यूज करने के लिए कंसेंट्रेशन दे रखी थी, कुछ भी काम नहीं, तो आंसर आएगा बच्चा इसका, कैलकुलेट करोगी तो 1.33 × 10⁻³ आएगा। ठीक है, -4 नहीं, एक बार चेक कर लेना, -3 या -4। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में 32, इनमें से कौन सा मोनोमर टेफ्लॉन प्रिपेयर करने के काम आता है, ये आज का क्वेश्चन है, पॉलीमर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये आज का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मोनोमर्स इज यूज्ड टू प्रिपेयर टेफ्लॉन, वेरी गुड, टेट्राफ्लोरोइथीन, CF2 डबल बॉन्ड CF2, टेट्राफ्लोरोइथीन किसके लिए यूज होती है, टेफ्लॉन प्रिपेयर करने के लिए, वेरी गुड, ये आज की शिफ्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कौन डायमैग्नेटिक आयन है, ये भी आज के शिफ्ट का क्वेश्चन है, ऑप्शंस नहीं बताए गए, मैंने इंक्लूड किए हैं, डायमैग्नेटिक पहचानने को क्वेश्चन आया था, BAB, ठीक है, BA DC, ठीक है बच्चा, आंसर होगा कोबाल्ट +3 में D7 मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कॉपर +2 D9 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Mn +2 D5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम +3 D0 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक, तो D इज द करेक्ट आंसर, ये सारे पैरामैग्नेटिक, उसमें भी Mn+2 सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक क्योंकि सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आज की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक, आज की शिफ्ट का क्वेश्चन है, फेरोमैग्नेटिक आइडेंटिफाई करने थे, मैंने ऑप्शंस फ्रेम कर दिए हैं, जल्दी से बताओ कौन सा फेरोमैग्नेटिक होगा, बच्चा पेन का थिकनेस, ये पीपीटी है ना इसलिए नहीं बढ़ता बच्चा, मैं कोशिश करती हूँ बट फिर भी, और मैं पीपीटी के सिवा इसको कहीं पीडीएफ में भी नहीं लगा सकती हूँ ना गौरव, इसलिए फेरोमैग्नेटिक होते हैं, ये परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड किए जाते हैं, कॉपर HgAu ये नॉन, अच्छा ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, कॉपर एलिमेंट्स भी बोलते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अल्कली अर्थ मेटल्स, तो सारी चीजें ग्रीन, तो आंसर है बी, फिर भी गलत दिया तुमने। क्वेश्चन नंबर 35, आज की क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर पे न्यूमेरिकल आया था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे आज की शिफ्ट में न्यूमेरिकल देखने को मिला है, तो या तो रेट कांस्टेंट पे क्वेश्चन आएगा, या फर्स्ट ऑर्डर पे क्वेश्चन आएगा, या आरएनएस इक्वेशन पे क्वेश्चन आएगा, या फिर ग्राफ पे, तो इन ग्राफ्स को रिवाइज कर लेना, और अगर स्कोर बूस्टर बुक है तो स्कोर बूस्टर बुक की जो हर चैप्टर की समरी दे रखी है वो कर सकते हो, वो समरी कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, अब जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका, तो मैम R इज इक्वल टू K × concentration ऑफ A, मैम R की वैल्यू 6.6 × 10⁻⁵, K की वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू 0.6, यहाँ से कैलकुलेट करोगे कितना आंसर देखने को मिलेगा, आई थिंक सो 1.1 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, तो ये आपका आंसर होगा, कर सकते हो क्या जल्दी से बताओ, और अगर फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट पे डायरेक्ट
डायरेक्टली आए तो के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई एटी। मान लो टी हाफ पे क्वेश्चन आ जाए, टी हाफ पे क्वेश्चन आ जाए एक्स वाई जेड 90% और 99% का रिलेशन पूछा था। अच्छा एक्स वाई जेड फर्स्ट ऑर्डर में या सेकेंड ऑर्डर में जल्दी से बताओ, फर्स्ट ऑर्डर में या सेकेंड ऑर्डर में? एक्स वाई जेड फर्स्ट ऑर्डर में पूछा गया था ना, ठीक है अभी निकालते हैं। ठीक है किसी ने बोला तो थैंक यू सो मच एक्स वाई जेड क्वेश्चन बताने के लिए। तो टी हाफ इज 0.693 बाई के निकाल दीजिएगा। अब एक्स वाई जेड ने क्वेश्चन बताया है तो लोग क्वेश्चन कर लेते हैं वो, मैं इसकी स्लाइड को पूरा वो कर देती हूँ, ठीक है इरेज। किसी ने बोला मैम टी 99% और टी 90% के बीच में पूछा गया था मैम, आ जाओ निकालते हैं। मुझे बताओ k इज इक्वल्स टू 2.303, मैं पहले t 99% लेके चल रही हूँ या फिर मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ? नहीं बच्चा कैलकुलेशन गलत की है गौरव, कैलकुलेशन चेक करना बच्चा, कैलकुलेशन चेक करिएगा ठीक है। तो यहाँ पर t 99% इज इक्वल्स टू 2.303 बाय k log 100 माइनस 99 1 अपॉन t 90% इज इक्वल्स टू 2.303 बाय k log इनिशियल 100 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना हो गया log 10, ऊपर क्या है log 100। तो बता दो कितना आंसर हो जाएगा अगर मैं कैलकुलेट करूं, जल्दी से बताओ, कैलकुलेशन कर सकते हो कि ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान, 2 log 10 तो t 99% इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 90%, ट्वाइस ऑफ t 90%, ट्वाइस ऑफ t 90%, ट्वाइस ऑफ t 90%। क्या यही आंसर लगा के आए थे, क्या यही आंसर लगा के आए थे आईटी टॉक्स, जल्दी से बता दो क्या यही आंसर लगा के आए थे पहले बता दो। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, वेरी गुड यस शबाश, तो आप बिल्कुल सही हो। ये है नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस सॉल्यूशन। तो आज क्वेश्चन पूछा था गैस इन गैस, गैस इन गैस सॉल्यूशन बताओ। बकवास लगती है इतनी मेहनत की भी तो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अगर ये भी बकवास लगती है तो कुछ भी नहीं हो सकता। ओके जल्दी से बताओ कौन सा एग्जांपल बच्चा गैस इन गैस का, एयर, वेरी गुड। तो बच्चा एयर, मिल्क किसका एग्जांपल है इमल्शन, मिल्क किसका एग्जांपल है इमल्शन। फॉर्म किसका एग्जांपल है बच्चा लिक्विड इन गैस, फॉर्म किसका एग्जांपल होता है लिक्विड इन गैस। रूबी स्टोन सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, तो आंसर होगा ए। ये आज की शिफ्ट का क्वेश्चन है बच्चा, इसमें गैस इन गैस पूछा गया था, ठीक है। ओके नेक्स्ट, गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्मड इन द गिवन रिएक्शन। किसी ने बोला कि मैम एक रिएक्शन आई थी और उसमें आईयूपीएसी नेम पूछा गया था, मैम रिएक्शन आई थी उसमें आईयूपीएसी नेम पूछा गया था। तो अब आपको बताना है इसका शिफ्ट, रिएक्शन मुझे नहीं पता यही पूछी गई थी या नहीं, मैंने अपनी तरफ से फ्रेम किया जिससे आपको आइडिया मिल जाए। ए ए नालायको, ए के बाद हीट के बाद पानी भी है, इसको भूल गए तुम, ए पता था मुझे यही करोगे इसलिए क्वेश्चन बनाया था, इसीलिए क्वेश्चन बना के आई थी। सी ए पूछा था ना, वेरी गुड। देखो बच्चा सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री, इसमें डाइल्यूट एच टू एस ओ फोर मिलाओ बच्चा क्या बन जाएगा, ऐसे टूटेगा प्लस माइनस मार्कोनिक ऑफ सी एच थ्री सी सी एच थ्री बच्चा, यहाँ पर ओ एच सी एच टू सी एच थ्री, ठीक है। फिर क्या रखिए बच्चा हीट, हीट पे क्या होगा, हीट पे क्या होगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री। फिर क्या दे रखा है मैम, पानी, फिर से पानी मिला दो मैम सी एच, यही प्रोडक्ट बन जाएगा वापस से। तो बताओ क्या नंबर क्लियर होगा मैम, टू मिथाइल ब्यूटेन टू ओल, टू मिथाइल ब्यूटेन टू ओल। बताओ कंफ्यूज किया ना मैंने क्वेश्चन में तुमको, और तुम कंफ्यूज आ भी गए ना, मैंने तुमको कंफ्यूज किया और तुम कंफ्यूज आ भी गए ना, पता चला अब ऐसे कंफ्यूज आ जाते हैं ना, ऐसे कंफ्यूज आ जाते हैं। आ जाओ सी विल बी द करेक्ट आंसर, नेक्स्ट पे चले। हाँ जी बच्चा मंथन, नेक्स्ट पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग फ्लोर टाइल्स। थैंक यू कुमारी, थैंक यू सो मच मेरा वन, अरे 1 अक्टूबर को तो तुम फाड़ाओगे टेंशन के, लिख दो पेपर मस्त करके आओगे। पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग फ्लोर टाइल्स, थैंक यू गौरव। बच्चा हाउ मेनी अमाइंस, टू अमाइंस ए एच, अच्छा आज एक क्वेश्चन आया था कितने अमाइंस से ईडीटीए में, बच्चा दो, कितने अमाइंस से ईडीटीए में दो, और यहाँ पर आंसर क्या होगा बच्चा, पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग फ्लोर टाइल्स इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, ध्यान रखना पीवीसी को यूज करते हैं फ्लोर टाइल्स में, इसको यूज करते हैं पीवीसी।
गलत आंसर जिसने टेफ्लॉन बोला, गलत आंसर जिन्होंने टेफ्लॉन बोला। ठीक है, नेक्स्ट चले गया, जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस इन एटॉमिक मास ऑफ होमोलोगस सीरीज इज, द डिफरेंस इन एटॉमिक मास ऑफ होमोलोगस सीरीज इज। आई थिंक सो नेट चला गया क्या स्टूडेंट्स, एक बार बता दीजिए। ठीक है बच्चों, तो मैं इसके आंसर बता देती हूँ। डिफरेंस इन एटॉमिक मास ऑफ होमोलोगस सीरीज इज 14U। कितना आंसर होगा, CH2 का डिफरेंस होता है बच्चा, तो 14U है ना, 14U। ठीक है बच्चा, मैं आपकी कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ, दो मिनट रुक जाइएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ये क्वेश्चन आया गया था, तो बताओ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। मैम यहाँ पर क्या बात करते हैं, मोलर मास इंक्रीज होता है तो मैम बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, तो बताओ मैम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर होगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, मोलर मास इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज। तो देखो यहाँ पर ये इंक्रीज होता हुआ ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है, तो सबसे कम किसका होगा, ए का, तो आंसर क्या होगा बच्चा, ए। ठीक है, ये रहा लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अल्कलीन अर्थ मेटल्स। तो देखो अल्कलीन अर्थ मेटल्स की बात करें, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात, क्यों, क्योंकि अल्कली मेटल्स में बच्चा एक इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान क्योंकि वो क्या है, इनर्ट गैस में जा रहा है, पर अल्कलीन अर्थ मेटल की बात करें, अल्कलीन अर्थ मेटल की बात करें तो मुश्किल, क्यों मुश्किल, क्यों मुश्किल, क्योंकि मैम वहां पर क्या है, कंप्लीटली फिल्ड सबशेल है, कंप्लीटली फिल्ड सबशेल से निकालना मुश्किल। नेक्स्ट मैम अल्कलीन अर्थ मेटल सॉल्ट्स डायमैग्नेटिक होती है, बिल्कुल सही, NS2 फुल फिल्ड होता है मैम। नेक्स्ट कंप्लीटली फिल्ड होती है, बिल्कुल सही बात, बेरिलियम तो फ्लेम कलर का टेस्ट शो ही नहीं करता, बेरिलियम और मैग्नीशियम इनकी आईपी हाईएस्ट होती है, तो जिसकी वजह से बच्चा ये फ्लेम टेस्ट शो नहीं करता। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर मैं आपकी कमेंट्स देख नहीं पा रही हूँ, बिकॉज आई थिंक सो कि मेरे मोबाइल में नेट की शायद कमी हो गई है, जस्ट वेट बच्चा। ठीक है, ओके, तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ जो पढ़ के जाने हैं बच्चा आपको। एक ये क्वेश्चन आया था, एसीटोफिनॉल प्लस ए गिव्स बेंजोइक एसिड, तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड और CH3, इसकी रिएक्शन बच्चा जिंक अमलगम के साथ कराते हो तो क्या बनेगा, सी डबल बॉन्डों का रिडक्शन हो जाएगा, CH2CH3। अब KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हो तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा बच्चा, और बेंजोइक एसिड देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आंसर होगा बी। अब आपको क्या करके जाना है, नेम्ड रिएक्शन रिवाइज करके जानी है बच्चा, एक तो नेम्ड रिएक्शन रिवाइज करके जानी है, दूसरा आपको क्या रिवाइज करना है, एज लेंथ वगैरह सॉलिड स्टेट में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टिविटी वाले क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन, देन नेम रिएक्शन की सारी लिस्ट देख लेना, गुर्ज पिट्टी गुर्ज रिएक्शन सारी रिएक्शंस देख लेना बच्चा, वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे है ना। फिर हम बात करते हैं बच्चा इसके सिवा और क्या रिवाइज करके जाओगे, हाँ बस इतना ही करना है, बाकी मेरे एनालिसिस देख के चले जाना, ये वाला एनालिसिस, इससे पहले के दो एनालिसिस, बच्चा बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा मेरे तीनों में, मेरी गारंटी है। पेपर अच्छा जाए तो कमेंट कर दिया करो, लाइक कर देना बच्चा, शेयर करना, सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि शायद मेरे फोन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है इसलिए। तो मैं क्लास एंड करती हूँ, जैसे ही क्लास खत्म होने के बाद मैं आपकी कमेंट्स के रिप्लाई दे दूंगी, तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, चल बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।